क्योंकि वास्तव में श्री सदगुरुदेव भगवान की नौकरी से बढ़कर के संसार में और कोई नौकरी ऐसी है ही नहीं जो खरी हो, जो सच्ची हो। हो मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। हो मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। ताली सेवा करते हुए
कहूं नहीं, कुछ मिले ना मिले कहूं नहीं, तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना कहूं नहीं, कुछ मिले ना मिले कहूं नहीं, ऐसी होगी कहां दूसरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी, ऐसी होगी कहां दूसरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी, मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी, मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। श्री रमण बिहारी से मेरी ये किस्मत खुली, जब से तेरी लगन है लगी तब से मेरी ये किस्मत खुली, जब से तेरी लगन है लगी तब से मेरी ये किस्मत जगी, अब तो बन गई मेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी, अब तो बन गई मेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी, मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी।
तेरा तब मुझे ये तेरा दर मिला। हुस्न नसीबी का जब गुल खिला तब मुझे ये तेरा दर मिला। हुस्न नसीबी का जब गुल खिला तब मुझे ये तेरा दर मिला। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। 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 सबसे अच्छी है सबसे। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। तो देखो अपने गुरुदेव की, अपने संतों की सदा नौकरी करते रहो। और ये नौकरी करने का मतलब कोई जैसे संसार की नौकरी होती है उस तरह से नहीं। संत जो उपदेश कर रहे हैं, संत हमें जो आदेश कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव जो हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, केवल उनकी आज्ञा पालन करना ही वास्तव में उनकी सबसे बड़ी नौकरी है और सबसे बड़ी सेवा है। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये सदा सेवन करने योग्य है। ये कथा हमेशा श्रवण करने योग्य है क्योंकि यस्याह श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण करने से ही भगवान श्री हरि का तुम्हारे हृदय में प्रवेश होता है। हरिश्चित्तम समाश्रये, और कोई रास्ता नहीं है श्रवण के अतिरिक्त। और आप ध्यान करके, योग करके, साधना करके, भजन करके भगवान को अपने हृदय में नहीं धारण कर सकते क्योंकि मन भटक जाता है। ये श्रवण ही एकमात्र ऐसा साधन है
जिसके माध्यम से चारों तरफ से जो हमारी बहिर्मुख वृत्ति इधर से उधर बिखर रही है वो एकत्रित हो जाती है, और जब वृत्ति एकत्रित हो जाती है तो वही वृत्ति राधामय बन जाती है, और उससे पहले जो धारामय वृत्ति थी, धारा माने बाहर की तरफ बहना, राधा माने अंतर्मुख माने अंदर की तरफ आना। तो धारा काय की होती है? धारा तो भैया जल धारा होती। अब जल धारा जब हिमालय से निकलती है तो बहिर्मुख होती है, सारे संसार में चक्कर काटती काटती इधर से उधर न जाने कहां कहां घूम घाम करके और अपने प्रियतम पति सागर से जाकर के मिल जाती है। लेकिन उसे संसार में चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं, बहुत समय लगता है, कई कई धाराओं की माने, गंगा नदी हो यमुना जी हो, कितने कितने हजार किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हमने भी 2006 में शायद 2006 से 2007 के बीच में माँ भगवती नर्मदा मैया की परिक्रमा की, उस समय घर छोड़ा ही था, कुछ महीने या एक साल हुआ नहीं था, तो क्योंकि यहां से कहीं घर वाले पकड़ करके न ले जाएं इसलिए 2000 किलोमीटर दूर चले गए थे, और नर्मदा मैया एकमात्र ऐसी नदी है हमारे भारतवर्ष में जो निकलती भी जंगल से है, और पूरे जंगलों जंगलों में होकर के ही ये जो गुजरात वाला सागर है, मुंबई वाला जो सागर है, इसी में जाकर के मिल जाती है। माने उनकी जो लंबाई है वो लगभग 3600 किलोमीटर है, 3600 किलोमीटर। अब 3600 किलोमीटर नंगे पैर, और वो भी जंगल में कंकड़ों में पत्थरों में चलना हो और उसी जंगल में रहना हो, और एक जंगल तो ऐसा आता है 200 किलोमीटर का जहां कोई भी आपको नहीं मिलेगा, वहां तो केवल जंगली लोग मिलेंगे जिनको भीलों के नाम से जानते, जिन भीलों ने अर्जुन को भी लूट लिया था, वो भील आज भी वहां विद्यमान है, नर्मदा जी के जंगल में ही लूटा था अर्जुन, तो वो भील आज भी मिलते हैं। जब भी कोई साधु संत बाबा परिक्रमा के लिए वहां से निकलता है तो उन्हें अपने लिए जो उचित लगता है वो उससे ले लेते हैं, तो हम भी लुटे। लेकिन 10 दिन उसमें किस प्रकार से निकलते हैं, वहां ना कोई गांव है, वो केवल जंगल की बात बता रहा हूं, वैसे तो संपूर्ण जंगल ही है, लेकिन 10 दिन तो कम से कम वो झाड़ी के अंदर लगते हैं जहां पर आपको अपने जैसी शक्ल का कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देगा, पूरा भयंकर जंगल है, और वो काले काले, उनकी भाषा भी अलग होती है, वो कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो आपके पास जो भी होगा वो नर्मदा मैया की कृपा है कि वो किसी को मारते नहीं पीटते नहीं कुछ कहते नहीं, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार आपसे कपड़ा ले लेंगे, कोई खाने पीने की वस्तु होगी वो ले लेंगे। तो नर्मदा जी की परिक्रमा में हमने कम से कम 1 वर्ष लगाया, और भी अधिक समय लगाया, नर्मदा जी के किनारे कम से कम 3 साल रहे, लेकिन 1 वर्ष तो परिक्रमा में लगता ही है। तो कहने का भावार्थ ये है कि इतनी लंबी लंबी जल धाराएं होती हैं सारे संसार में, न जाने कहां कहां बह रही होती हैं। नर्मदा जी हमारे देश में सबसे पवित्र नदियों में से एक है, यदि पवित्रता के मामले में चाहे पुराण ग्रंथ के अनुसार देखा जाए या फिर आजकल के विज्ञान के माध्यम से देखा जाए तो सबसे पवित्रतम जल माँ गंगा से भी पवित्र जल श्री नर्मदा जी का है, क्योंकि नर्मदा जी भोले बाबा की पुत्री है,
भोले बाबा से ही उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो धारा संसार में बहती है और राधा अंदर बहती है। अब आपको धारा में बहना है या राधा में बहना है, ये आपको सुनिश्चित करना है। यदि राधा में बहोगे तो गोविंद मिलेंगे, सांवरिया सरकार मिलेंगे, क्योंकि वो तो केवल और केवल राधा जी की मुट्ठी में रहते हैं। राधा के बिना श्याम सुंदर की प्राप्ति आज तक किसी को नहीं हुई और ना ही भविष्य में कभी किसी को होगी। तो वृत्ति आपकी यदि बहिर्मुख है, धारामय है, तो कृष्ण तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और वृत्ति यदि राधामय है तो भगवान गोविंद मिलेंगे, निश्चित है। तो देखो श्रीमद् भागवत के श्रवण से हमारी जो वृत्ति है वो राधामय बनती है, अंतर्मुख। ध्यान करेंगे तो भटकता रहेगा मन, कुछ न कुछ मन में चलता रहेगा, लेकिन कथा में बैठ जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं आता, सारे संसार में कुछ भी याद नहीं आता, एकदम मन स्थिर हो जाता है, ऐसे चिपक जाता है। इसीलिए कहते हैं कि यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान श्री हरि तुम्हारे चित्त में जाकर के बैठ जाते, चिपक जाते हैं और फिर वो वहां से नहीं निकलते जब तक तुम्हारी वृत्ति राधा में बनी रहती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो ये सूत्र देते हैं हम, ये सूत्र आप अपने जीवन में जरूर ले जाना यहां से, क्योंकि कथा याद रहे न रहे, दृष्टांत उपदेश याद रहे न रहे, लेकिन ये सूत्र तो याद रहेगा कि श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके जब कथा सुन रहे थे तो महाराज जी बार बार बुलवाते थे, प्रेम से बोलो राधे राधे। और यही एक ऐसा सूत्र है जो तुम्हें परम कल्याण की ओर ले जाएगा। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो देखो भगवान भी केवल वहीं पर वास करते हैं जहां भगवान के भक्तों का चरित्र गायन होता है, जहां भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का श्रवण होता है। एक बार की बात है, श्री नारद जी को भगवान से कुछ काम था, तो भगवान को मिलने के लिए श्री नारद जी दौड़े गए, क्योंकि श्री नारद जी को पता है भगवान वैकुंठ में विराजमान रहते हैं, वैकुंठाधिपति हैं। तो वैकुंठ में गए, वैकुंठ में जाकर के देखा तो भगवान मिले नहीं। सोचा कि शायद ब्रह्मा जी के पास गए होंगे तो ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में भी भगवान नहीं मिले। सोचा शायद इंद्र का काम धाम चेक करने गए होंगे, कैसा चल रहा है स्वर्ग इत्यादि, ठीक ठाक व्यवस्था चल रही है कि नहीं।
तो नारद जी स्वर्ग में आए, स्वर्ग में भी भगवान नहीं मिले, स्वर्ग से फिर अन्य अनेकों लोकों में गए, वहां भी भगवान नहीं मिले, फिर इस मृत्यु लोक में आए तो वहां भी भगवान नहीं मिले। जब कहीं भगवान नहीं मिले तो नारद जी बड़े परेशान हो गए। और कुछ दिन बाद जब भगवान से मुलाकात हुई तो नारद जी बड़े झल्ला करके, बड़े क्रोधित होकर के, बड़े गुस्से में भगवान को डांट करके बोल रहे थे, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बोले कैसी उम्मीद? बोले इसका मतलब आप झूठ बोलते हो। बोले बेटा बताओ तो सही, हम कैसे झूठ बोलते हैं? बोले आपने बोला था कि बेटा नारद जब भी मेरे से तुमको कोई काम हो तो आंख बंद करके सीधे वैकुंठ में चले आना। लेकिन महाराज वैकुंठ की तो छोड़ो, मैंने सारी दुनिया छान मार ली लेकिन आप कहीं नहीं मिले, इतने दिन से मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अरे बताओ तो सही, आपका वो कौन सा ठिकाना है, आपका वो कौन सा ठौर है, आपका वो कौन सा ठिया है जहां पर आप विराजमान रहते हो? कभी कोई इमरजेंसी आ जाए और आपसे मिलना हो तो आप कहां मिलोगे, बताओ तो सही। तो भगवान ने कहा, देखो नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। हे नारद, ना ही तो मैं वैकुंठ में वास करता हूं और ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूं। तो नारद जी बोले, महाराज फिर रहते कहां हो, तुम्हारा वास कहां है? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, 24 घंटे जब भी तुम्हें किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, आंख बंद करके चले आना जहां मेरे भक्तों का गुणगान हो रहा हो, जहां मेरा कीर्तन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, जहां मेरी लीलाओं का श्रवण हो रहा हो, ऐसी जगह मैं चाहे सारे ब्रह्मांड में कहीं भी न मिलूं, लेकिन कहीं कथा हो रही हो, कहीं लीला हो रही हो तो आंख बंद करके चले आना, मैं तुम्हें वहां अवश्य मिलूंगा। तो देखो, भगवान की कथा भगवान स्वयं श्रवण करते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, क्योंकि ये बात भगवान ने अपने श्री मुखारविंद से नारद जी को गारंटी दी है। भक्तों के हृदय में जहां कीर्तन होता है वहां भगवान वास करते हैं। कहीं भी कीर्तन हो रहा हो, कहीं भी कथा हो रही हो, भगवान अवश्य वास करते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवेशते हृदये साम श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। अरे इस त्रिभुवन में, संपूर्ण लोकों में, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या, वो निर्धन भी धन्य है जिस निर्धन के हृदय में भगवान गोविंद की भक्ति निवास करती है, प्रेम वास करता है, वो निर्धन धन्य है।
सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्य, ऐसा धनवान श्रेष्ठ नहीं है, वो धन्य नहीं है जिसके पास संसार का धन तो बहुत है लेकिन उस धन के साथ कबीरा सब जग निर्धन धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन होए। तो राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी, राधा नाम रूपी धन जिसके पास नहीं है वो सांसारिक धन वाला धनपति होते हुए भी निर्धन है। क्यों? क्योंकि ये धन तो आपने यहीं से प्राप्त किया और जब यहाँ से जाओगे तो आप सब लोग जानते हैं कि अर्थी पर ये काया जब जाती है शमशान भूमि में तो हाथ ऐसे खोल करके जाती है, एक सुई की नोक के बराबर भी आप यहाँ से कुछ ले करके नहीं जाते। जैसे नंगे आते हो वैसे ही नंगे जाते हो, लेकिन फिर भी हम लोग न जाने क्या क्या नाटकबाजी, न जाने क्या क्या ड्रामेबाजी संसार में करते हैं। वास्तविक धन तो वही है जो गोविंद के नाम का धन है, किशोरी श्री राधिका रानी के नाम का धन है, उसका संचय करो, उसका संग्रह करो, वो तुम्हारे साथ जाएगा। लाखों की संख्या में करो, करोड़ों की संख्या में करो, अरबों की संख्या में करो, जैसे बैंक में धन जमा करते हैं वैसे ही आप नाम के धन की कमाई करो, उसे जमा करो, वो तुम्हारे साथ जाएगा, जन्म जन्मांतर तुम्हारा साथ देगा। ऐसे भक्त के लिए हर रप निज लोकम सर्व था तो विहाय, हे नारद भगवान कह रहे हर रप निज लोकम सर्व था तो विहाय। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं सोनकादि ऋषियों से और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित और अन्य जो श्रोतागण श्रवण कर रहे हैं साधु संत उनसे, ऐसे भक्त के लिए भगवान अपने निजी लोक माने गौलोक श्री कृष्ण लोक और वैकुंठ इत्यादि को छोड़ करके ऐसे भक्त के हृदय में आकर के वास करते हैं जो कीर्तन करता है, जो भजन करता है, जो भगवान के दर्शन करता है, जो भगवान की कथा श्रवण करता है, उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और फिर देखो जब उसके हृदय में आकर के बांके बिहारी विराजमान हो जाएं तो कितना आनंद आता है। आज हम श्री नरेश जी के साथ में सुबह सुबह ही निकल गए 7:30 बजे के आसपास, पहले निधिवन गए जहाँ हमारे बांके बिहारी रास बिहारी ने रास लीला करी ब्रजांगनाओं के साथ में और अपने ब्रजवासियों के साथ में। निधिवन के बाद बांके बिहारी गए तो बांके बिहारी के दर्शन में भले ही समय तो लगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लाइन में खड़े रहे, सुबह सुबह भी इतनी भीड़, और दिन में तो पता नहीं इस समय क्या हाल हो रहा होगा, लेकिन बांके बिहारी ने दर्शन बड़े दिव्य दिए, अलौकिक छटा थी। अभी भी हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में वो छटा अभी भी विद्यमान है, कैसे सुंदर सांवरिया सरकार सजे हैं, कितना सुंदर उनका रूप है, पीतांबर पहने थे आज, जैसे किशोरी श्री राधिका रानी घाघरिया या घाघरा पहनती हैं बिल्कुल वैसे ही घाघरा बांध करके खड़े थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। इतना सुंदर दिव्य दरबार सजा था तो वो दरबार अभी भी हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में घूम रहा है और वहां हमें एक भाव याद आ रहा था तो हमने वहीं सोच लिया था कि आज इस भाव को हम अवश्य प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हम
वहां भी कह रहे थे कि किसने सजाया है तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बहुत सुंदर भाव है, बहुत मधुर भाव है। पंजाबी सा भी लगता है और हिंदी सा भी लगता है, दोनों मिक्स है। जैसे मिक्स वेज की सब्जी होती है ना, वो कितनी सुंदर लगती है, दो चार सब्जियां मिल जाए ना तो आनंद आ जाता है। यहाँ तो ज्यादातर मिक्स वेज ही बनती है कथा में, दो चार सब्जियां रोज मिला करके बनाते हैं, क्योंकि रोज रोज तो आप लोग आते नहीं, इतनी दूर दूर से आप आए हैं। बढ़िया खा करके जाओगे, कथा सुन करके जाओगे, तो कम से कम घर जा करके याद तो